तिरस्कार कभी ना, तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती, इसीलिए मित्र बनाए, आनंद ले और मेरे साथ कहें राधे। हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं, किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहे। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पे आए थे और कल आपके स्थान पे भी कोई और अवश्य आए, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये इस प्रकृति का नियम। इसमें शोक कैसे? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। राधे राधे। व्यक्ति किसी और वस्तु या भाव से परिचित हो ना हो, भय और भविष्य दोनों ही व्यक्ति के मन में सदैव रहते हैं, जिनका अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व पे भारी रहता है। विचित्र है ना? वह वो है जिसे आप नहीं जानते, जो अनजान है, और इसी कारण आपको भय लगता है कि ना जाने क्या होगा। भविष्य वो है जो अब तक घटा ही नहीं, तो जो घटा ही नहीं उसके विषय में चिंता क्यों? आपके हाथ में है वर्तमान, वर्तमान के कर्म सत्य मन से कीजिए और सोचिए ये कि अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्ठता से किया जा सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए, यदि वर्तमान के कर्मों को आप सत्य मन से करोगे तो भय स्वयं ही निकल जाए और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए, इस वर्तमान को जी। हम सबको कभी न कभी तो क्रोध आता ही और आएगा भी, मनुष्य इन्हीं भावों से हम जुड़े, किंतु ये क्रोध क्यों आता है कभी सोचा है आप? ये क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ ना, जैसे कभी कोई हमारी बात ना माने या कभी हमें पराजय प्राप्त हो जाए, किंतु इन सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पे हम दुर्बल हैं। क्रोध जन्म लेता है हमारी दुर्बलता से और फिर वो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। यदि क्रोध को वश में ना रखा जाए तो भ्रम जन्म लेता है, यदि भ्रम को वश में ना रखा जाए तो विवेक व्याघ्र होने लगता है, और यदि व्याघ्रता को वश में ना किया जाए तो व्यक्ति का तर्क ही नष्ट हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है और फिर उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए अपने क्रोध पर वश रखें, अपने मन को शांत होने के लिए कहें। राधे राधे। अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा कि यह संसार दुख का मूल है और ईश्वर भक्ति उस दोष से दूर जाने का मार्ग है, किंतु सोचिए यदि यह संसार दुख का सागर होता तो क्या नियति आपको यहां पर जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहां पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार, यहां के लोगों, सोचते हैं कि काश मैं यहां पे आया ही ना। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाते खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी
जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहां कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो ये है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़ कर गए। तो ये सोचकर जिए कि जो किसी के लिए नरक है उसे किसी का स्वर्ग बना के निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाए। राधे बंद करती है, फिर वो मीठे का प्रबंध करती है, फिर वो आंच पर इसे देर तक पकने देती है ना सर। इतना भी सरल नहीं। इस जीवन में आनंद की खीर चखने का भी यही तरीका है, किंतु इसमें समय बहुत लगता है। शुद्ध श्वेत दूध जैसे भावों में, कभी न टूटने वाले संबंधों में प्रेम की मिठास मिलाकर, जब प्रयास और परिश्रम की आंच पर देर तक पकाया जाता तब बनती है आनंद रूपी खीर। तो स्मरण रखिए, शुद्धता भावों की, मिठास प्रेम की और प्रयास आत्मा, इन तीनों को मिलाओगे तब भी जीवन में आनंद पाओगे। प्रतिदिन सूर्य उगने के साथ ही जाग उठती हैं कुछ कहानी, कुछ संघर्ष, कुछ इच्छाएं, कुछ यात्राएं, पर सभी कहानियां संपन्न नहीं होती, सभी संघर्ष जीते नहीं जाते, सभी इच्छाएं प्राप्त नहीं होती और कुछ यात्राएं रह जाती हैं अधूरी। क्यों? अब आप में से कुछ कहेंगे प्रयास अधूरा रहा, कुछ मानेंगे निश्चय दृढ़ नहीं था, कुछ क्रोध करें, तो कुछ इस असफलता का बोझ अपने भाग्य के कंधों पर डाल दें। परंतु इस सब का कारण केवल एक तत्व की कमी, कमी है ढाई अक्षर की, कमी है प्रेम। प्रेम जो न शास्त्रों की परिभाषा में मिलेगा, न शस्त्रों के बल, न पाताल की गहराइयों, न आकाश के तारों। तो ये प्रेम है कहाँ, कैसे पाया जाता है, क्या है मार्ग प्रेम को पाने का? प्रयास रहेगा आपको यही समझाने का। तो आई भागी बनिए इस यात्रा का, साक्षी बनिए प्रेम की इस भाव विभोर कर देने वाली महागाथा की, जो अलौकिक होकर भी इसी लोक में रची गई। और इस यात्रा के लिए आपको ना कोई शुल्क लगेगा, ना ही कोई परिचय पत्र, बस एक बार मन से बोलना होगा, राधे 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 राधे। मनुष्य जब जन्म लेता है और मनुष्य जब इस संसार को छोड़कर जाता है, इसके मध्य का काल जीवन कहलाता है। और इस जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ता है, कभी शिक्षा के लिए, कभी काम के लिए, कभी वास्तविक युद्ध करना पड़ता है। किंतु इस संघर्ष का सामना करने के लिए प्रकृति ने हमें एक और गुण भी भेजा, प्रयास। कभी किसी छोटे बालक को देखा,
ना कुछ बोल पाता है, ना कुछ समझ पाता, किंतु अपने घुटनों के बल पर समस्त आंगन नापने का प्रयास करता है। खड़ा होता, गिरता, फिर खड़ा होता और अंततः वो चलना सीख ही जाता है, क्योंकि वो अपने मन से नहीं हारता। जीवन में युद्ध क्षेत्र कई आएंगे, कभी कभी हार का सामना भी करना होगा, किंतु हारता केवल वो है जो मन से हार जाता है। इसलिए कहते हैं युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में लड़े जाते हैं। मैदान में हारने वालों को कई अवसर मिलते हैं, किंतु मन से हारने वालों को नहीं। राधे राधे। जब से मनुष्य का जन्म हुआ है जान पहचान का, और आज के युग में तो व्यक्ति का मूल्यांकन ही इस बात से किया जाता है कि इसकी पहचान किससे, इसकी पहचान कहां तक है। क्यों, आपके आसपास भी ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान के बल पर आपका काम बना लेते हैं। ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान से काम पा लेंगे, धन अर्जित कर लेंगे, किंतु आप तनिक सोचिए, क्या ये ठीक है? पहचान से मिला काम आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आपके उनसे मधुर संबंध होंगे। संबंधों में खटास आई और काम निकल गया हाथ से, तो अब क्या किया जाए? इसका उत्तर है काम। अपना काम पूरे मन से कर, अपना काम निश्चय से कर, क्योंकि पहचान से मिला काम अधिक समय तक नहीं टिकेगा, किंतु काम से मिली पहचान युगों युगों तक टिकेगी। याद है हम मनुष्य साथ रहते हैं, आनंद पीड़ा मिलजुल कर बांटते, समय पड़ने पर सहायता देते, सहायता लेते भी, किंतु क्या सदा सहायता लेना उचित है? अब आप में से कुछ कहेंगे बिल्कुल उचित है, इसमें बुरा ही क्या है, मनुष्य ही तो मनुष्य के काम आएगा। बिल्कुल उचित कहा आप, किंतु सदा के लिए सहायता लेना उचित नहीं है। कारण, यदि बात बात पर सहायता लेने का अभ्यास हो गया तो आप स्वयं दुर्बल होते जाएं। स्वयं का एक मार्ग बनाना छोड़ आप बात बात पर दूसरों से सहायता मांगे। दूसरी बात, सहायता के साथ जुड़ा आता है उपकार का भार, तो जिससे सहायता ली है उसके समक्ष झुक कर रहना होगा। इसीलिए संकट में भी सोच विचार करके सहायता ले, क्योंकि संकट तो कुछ दिनों पश्चात निकल जाए, किंतु उस उपकार के ऋण का भार जीवन भर आप पर रहे। राधे राधे। लोग सदैव मुझसे ये प्रश्न करते रहते हैं कि मित्रता का मतलब क्या, इस प्रेम का मतलब क्या, और मैं बस मुस्कुराता, क्योंकि यह तो ऐसा प्रश्न हुआ जैसे कोई पूछे कि अनर्थ का अर्थ क्या। अब जब अनर्थ हो ही गया तो उसका अर्थ क्या, उसी प्रकार वो मित्रता क्या जिसमें आपका कोई मतलब, वो प्रेम क्या जिसमें आपका कोई स्वार्थ। ये दो भाव ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ चाहिए नहीं होता, बस देना होता आपका समय, आपकी भावनाएं, आपका सुख। कुछ मांगने के लिए करोगे तो वो मित्रता कैसे, कुछ पाने के लिए करोगे तो वो प्रेम कैसे। वैसे भी देखा जाए तो जो प्रेम करते हैं उन्हें कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं, और जिसके पास ढाई अक्षर वाला ये प्रेम शब्द हो उसके पास तो इस संसार का सबसे बड़ा कोष है। तो आप इस कोष को बढ़ाइए और मेरे साथ कहिए राधे।
हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं, किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं, भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दे, सम्मान दे। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करे। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो भी उसे समुचित सम्मान दे। स्वयं को भाग्यशाली समझे कि कोई आपके प्रभाव में, किंतु तिरस्कार। किंतु कभी कभी हम भूल जाते हैं कि स्मृति हमारी, तो इसमें हमें क्या सहेजना है और क्या मिटा देना है ये हम पर निर्भर करता है। इस जीवन में क्या सहेजना चाहिए? सुख, आनंद के क्षण, वो क्षण जहां किसी ने हम पर उपकार किया, वो क्षण जहां किसी ने अपनी मित्रता निभाई, वो क्षण जहां हमने किसी को सुख दिया। और हम क्या स्मरण रखते हैं? अपने दुख, पीड़ा है, वो क्षण जहां किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, वो क्षण जहां किसी ने शत्रुता निभाई। और फिर यही स्मृतियां हमें प्रेरित करती है प्रतिकार के लिए। इसलिए हमें क्या भूलना है और हमें क्या स्मरण रखना है ये हम पर निर्भर करता है। इस जीवन में सब कुछ भूल जाइए, किंतु ये अवश्य स्मरण रखिएगा, भूलने वाली बातें याद है, इसीलिए विवाद। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। अक्सर आपने आपके माता पिता, आपके हितेश या आपके शुभ चिंतकों के मुंह से ये सुना होगा, इसी कुदृष्टि लग गई, इसकी कुदृष्टि उतारो, ये मत करो नहीं तो कुदृष्टि लग जाएगी, ऐसा श्रृंगार ना करो, वो मत पहनो नहीं तो कुदृष्टि लग जाएगी। और कुछ तो इस कुदृष्टि का उपचार भी कर लेते हैं, मिर्च का धुआं जलाते हैं, तेल की बाती से कुदृष्टि उतारते हैं, काला टीका लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, उचित है। किंतु मैं कुदृष्टि को नहीं मानता। मैं मानता हूं कि यदि आपका मन अच्छा हो तो कोई भी कुदृष्टि आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकती। आंधियां भी केवल उन्हीं घरों में धूल भर पाती है जिन घरों में खिड़कियों के पर्दे दुर्बल होते। भवंडर भी केवल उन्हीं दीवारों को गिरा पाते हैं जो नींव से कमजोर होते। और आपके व्यक्तित्व की नींव है आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण। एक ही स्थिति, एक ही स्थान, एक ही घटना को आप सकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं, नकारात्मक रूप में भी ले सकते, निर्णय आपका है। इस संसार को जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे, इसलिए स्मरण रखिएगा, अपनी दृष्टि नहीं अपना दृष्टिकोण संभालिए। क्योंकि जैसा कहा गया है, इस संसार में बुरी दृष्टि का उपचार तो है, बुरे दृष्टिकोण का नहीं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। उड़ना किसे नहीं भाता, सफलता के आकाश पर सवारी करना कौन नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि इस संसार में उनका नाम, उनकी पहचान सबसे ऊपर, कि उनका नाम इतिहास में स्मरण रखा जाए। परंतु सबका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता, कुछ लोग नाम पाकर भी बेनाम रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो धरातल से नाता तोड़ देते, भूल जाते हैं ये बात कि उड़ान पूर्ण होने के पश्चात धरातल ही उन्हें विश्राम देगा, कि उनके कारनामों पर तालियां बजाने वाले, उनकी प्रशंसा करने वाले धरा पर ही रहते हैं।
और धरती पर रहने वाले लोग ही इतिहास लिखते हैं। तो सफलता का आकाश नापी पर अपनों से, उन लोगों से मत कटिए जो आपकी इस सफलता का आधार है। तभी इतिहास में नाम होगा और तभी आप भविष्य में प्रसन्न रहें। गर्मी की ऋतु आने पर एक मीठी सी कूक सुनी होगी, मन में बैठ जाती कोयल की कूक, बड़ी मीठी बड़ी प्यारी। वैसे एक और पक्षी है जिसका स्वर बड़ा ही मीठा है, हमारे घर के आसपास ही होता है। हरियाला रंग लाल चोंच, ठीक पहचाना? तो ये दोनों ही पक्षी हमारे लिए बहुत प्यारे हैं, मन को शांति देते हैं। किंतु इन दोनों में बड़ा अंतर, कोयल वन उपवनों में स्वतंत्र रहती है, तोता कई बार हमारे घर के पिंजरे में बंधा हुआ पाया जाता है। क्यों होता है ऐसा, कभी सोचा है? क्योंकि कोयल अपनी बोली बोलती है, तोता किसी और की बोली की नकल करता है। जो अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं, अपनी आत्मा की सुनते हैं, वही करते हैं और वही बोलते हैं, वो इस संसार में स्वतंत्र रहते हैं। जो किसी और का कहा करते हैं बिना आत्ममंथन के, वो बंदी हो जाते हैं, कभी पिंजरे के तो कभी विचारों के। तो क्या बनना चाहेंगे आप, कोयल या तोता? निर्णय आपका। राधे राधे। हम में से कई लोग इस विषाद से ग्रस्त रहते हैं कि हमें हमारे जीवन में अपेक्षित सुख सुविधा कभी प्राप्त ही नहीं हो, क्योंकि हमारा भाग्य ही यही है, क्योंकि हम ऐसे परिवेश में जन्मे। किंतु क्या आपका जन्म आपका प्रारब्ध निश्चित करता है? कुछ सीमा तक करता है। जैसे वर्षा की बूंद जब बादलों से जन्म लेती है तो उसका प्रारब्ध होता है धरा पर गिरना, किंतु वो धरा पर कहां गिरती है ये निश्चित करता है कि उसका भविष्य क्या होगा। केले के पत्ते पर गिरे तो कपूर बन जाती, सीप के मुख में गिरे तो मोती बन जाती, विषधर पी जाए तो विष बन जाती। बूंद एक ही प्रारब्ध तीन, तो प्रारब्ध हमारा जन्म नहीं, हमारा चयन निर्धारित करता है। इसलिए अपना चयन सोच विचार करके करें। मनुष्य का स्वभाव है सोचना, सोच विचार कर निर्णय ले, और निर्णय लेके इस दुनिया को बदलने की सोच के साथ आगे बढ़े, है ना? परंतु क्या हर कोई अपने निर्णय का परिणाम पाने में सफल होता है? क्यों कुछ ही लोग इस संसार को बदल पाते हैं, अन्य क्यों नहीं? इसका कारण है भय, और यही अंतर होता है सफल और असफल लोगों में। सफल वो होते हैं जो अपनी सोच से अपने निर्णय से इस संसार को बदल देते हैं, और असफल वो होते हैं जो इस संसार के भय से अपनी सोच को अपने निर्णय को बदल लेते हैं। इसलिए यदि इस संसार में कुछ बदलना चाहते हो तो अपने मार्ग तक पहुंचने का आपका मार्ग बदलो, अपनी सोच और अपना निर्णय लो। राधे राधे। हर संबंध की नींव विश्वास होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विश्वास किस पर किया जाए? अब ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा, बांधने में काम आने वाली रस्सी गूंथी कैसे जाती? हर रस्सी में तीन डोरियां होती जिन्हें आपस में गूंथा जाता। बस विश्वास के साथ भी यही होता है, यदि आप उसके साथ विश्वास का बंधन जोड़ें
जो आपकी जीवन की ये तीन डोरियां जानता है, समझता है। पहला, आपकी मुस्कान के पीछे छिपी आपकी पीड़ा। दूसरा, आपके क्रोध के पीछे छिपा आपका प्रेम। और तीसरा, आपके मौन के पीछे छिपी आपकी शब्दों की ज्वालामुखी, आपकी विवशता। तो जो व्यक्ति आपके जीवन की ये तीन डोरियां, ये तीन बातें जानता है, यदि उसके साथ आप विश्वास का बंधन बांधें, तो उसके सहारे जीवन की बड़ी से बड़ी खाई पार कर सकते हैं। राधेरा, जब मैया खीर बनाती है तब वो हमें बहुत भाती है, क्यों? किंतु मैया खीर कैसे बनाती है? पहले वो भात और दूध का प्रबंध करती है। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक वो है जो इनसे उल्टा करे, जो पहले आपकी परीक्षा ले और बाद में आपको सिखाए। क्या कहो कि परीक्षा देते देते आप स्वयं ही सीख जाएंगे। ये शिक्षक है अनुभव। इसलिए अनुभव और अनुभवी को साथ रखेंगे तो इस जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। तो प्रेम से बोलो, राधे राधे। जीवन में कुछ कर दिखाना है, आकाश की वो सीमा छूनी है जिसे छूने के विषय में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो अपने भीतर ये तीन गुण अर्जित कर लीजिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह, लगन। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमता। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा है अनुभव। अनुभव आपको ये बताएगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो जिसने चाह, साहस और अनुभव, इन तीन गुणों की तिकड़ी पाली, उनके लिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो वो ना पा सके। वो सदा प्रसन्नता से कहे, राधेरा। मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती, वो कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं रहता, कभी स्वयं से प्रसन्न नहीं रहता, जो है उसे अधिक पाना चाहता, जो पा लिया उससे आगे बढ़ना चाहता। अपने जीवन में बदलाव, परिवर्तन लाना चाहता, और ये प्रवृत्ति संसार में सबसे महान, क्योंकि इसी प्रवृत्ति के चलते संसार में विकास होता है। किंतु इस बदलाव के लिए मनुष्य उसकी खोज में रहता है जो उसके जीवन में बदलाव ला सके, उसे मार्ग दिखा सके, उसके जीवन में परिवर्तन ला सके। और इसके लिए मनुष्य संसार भर में उसे खोजता है जो उसके पास है। बताइए कौन? यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो दर्पण देखिए। वो आप स्वयं हैं जो आपका जीवन बदल सकते हैं, वो आप स्वयं हैं जो स्वयं को मार्ग दिखा सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए पहचानिए अपनी भीतर की शक्ति को और विश्वास कीजिए कि इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। जीवन बदल जाएगा, और अंधविश्वास का नहीं, आत्मविश्वास का हाथ थामे, आपकी समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तो प्रेम से बोल, राधेर। एक चींटी का जीवन बहुत ही कम होता, दो दिन, अधिक से अधिक एक सप्ताह बस।
कितनी कम भोजन की आवश्यकता होती है उसे, किंतु फिर भी वो चलती रहती है, कर्म करती रहती है अपने आने वाली पीढ़ियों की विरासत के लिए। कर्म ना रुको, करते रहो, चलते रहो, कुछ ना मिला तो चलने में सिद्धास्त हो जाओ, लक्ष्य ना मिला तो एक सुगढ़ यात्री तो बन पाओ। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। कुछ पक्षियों को देखा है मैं, जीवन भर घोंसला बनाते रहते, यहां से डाली लेकर वहां से तिनका लेकर, सदा इस कार्य में रहते हैं कि अपना घोंसला बना सके, और इस कार्य में इतना खो जाते हैं कि स्वयं के पंखों के अस्तित्व के विषय में भूल ही जाते हैं, भूल जाते हैं कि उनके पास एक विशाल आकाश भी है उड़ने के, और फिर ये जीवन उस घोंसले की आहुति चढ़ जाता। हम मनुष्यों के साथ भी यही होता, जीवन जीने के लिए धन कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हमें जीवन जीना भी है। धन जीवन जीने के लिए होता है, जीवन धन कमाने के लिए नहीं। तो आप केवल घोंसला बनाते मत रहिए, अपने पंख फड़फड़ाइए और उड़ान भरिए इस खुले आकाश। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। जत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते। हम ये सब मानते हैं किंतु अपनाते कितना। अब आप कहेंगे कि हम स्त्रियों को सबके सामने सम्मान देते हैं, उसके जन्म दिवस पर या विवाह की वर्षगांठ पर हम उन्हें उपहार देते आदि इत्यादि, किंतु क्या ये पर्याप्त? आप सोचिए, एक स्त्री अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने भाई के लिए क्या क्या नहीं करती, और उसे हम क्या केवल एक भेंट देकर उसे संतुष्ट मांगे? स्त्री को सुवर्ण आभूषण नहीं चाहिए, महंगे वस्त्र नहीं चाहिए, उसे चाहिए आपसे सम्मान सबके सामने भी और एकांत में, उसे चाहिए आपका समय, आपका समर्पण और थोड़ा सा प्रयास कि आप उसे जता पाए कि हाँ आपके जीवन में उनका स्थान, बराबरी का भाव, तभी आप कह पाए जत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। राधे राधे। इस प्रकृति ने सभी जीवों की रचना की, भूख की मांग के लिए सबको पेट दिए और व्यवस्था भी की कि हर कोई परिश्रम से अपना पेट भर सके, है ना? और संसार के इन सारे जीवों में केवल मनुष्य ही है जिसने धन की मुद्रा का आविष्कार किया, धन कमाना सीखा। और आश्चर्य की बात भी ये है कि मनुष्य ही है जो कभी अपना पेट नहीं भर पाया। क्यों? इसका कारण है लोभ। इस संसार में कोई भी जीव हो, शाकाहारी या मांसाहारी, केवल उतना ही शिकार करता है कि वो जी सके, कुछ इकट्ठा नहीं करता। और मनुष्य, मनुष्य इकट्ठा करता रह जाता है किंतु ना अपने मन की भूख मिटा पाता है ना ही अपने शरीर। इसलिए यदि कुछ अर्जित करना है तो शुभ कर्म और ना, अन्यथा इस संसार से भूखे पेट जाना होगा। तो प्रेम से बोलो राधे। कभी बरगद के वृक्ष को देखा है? कितना विशाल होता। कभी कभी भय लगता है कि इन भारी डालों का बोझ
इतना सह भी पाएगा या नहीं। भय लगता है कि कहीं ये वृक्ष टूट कर ना गिर जाए, किंतु नहीं, समय पड़ने पर शाखाओं से निकलने वाली ये बेलें धरती की ओर बढ़ती और फिर स्वयं जड़ बनकर इस वृक्ष को सहारा देती। इसी प्रकार जो परोपकार करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उन्हें स्वयं के लिए चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनके कर्म ढाल बनकर उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए जीवन में सहारे की नहीं, कर्म की चिंता कीजिए। राधे राधे। जीव जन्म लेता है और उसके साथ ही जागती है उसकी स्मृति। स्मृति बड़ी ही बलशाली किंतु विचित्र अनुभूति होती, सदा आपके साथ रहती। आपके साथ जो जो घटता है वो कहीं ना कहीं किसी स्थान पे संचित रहता है। क्यों? क्योंकि शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका उपयोग जितना सोच समझ कर किया जाए मनुष्य जीवन में उतना ही ऊपर उठता है। तो समझे ना, देखो सुनो समझो अधिक, बोलो कम। राधे राधे। आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर ही आपको स्मरण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आपके सहायता की आवश्यकता पड़ती है हाथ जोड़कर आपके सामने सज्जर है। बड़ा क्रोध आता है ना, मन खिन्न हो जाता है, मन से ये स्वर निकलता है कि इस व्यक्ति की सहायता न करें। ऐसा कभी मत कीजिए। आप सोचेंगे क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा। स्मरण रखिएगा, दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता जब अंधकार गहरा हो जाता। उसे स्वार्थी मानकर स्वयं व्याकुल ना हो, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित हो। भाग्यवान समझिए खुद कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य है। किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण ना बदले। बस ये दृष्टि रखिए स्वयं के परमार्थ पर। मन प्रसन्न होकर बोले राधे। आप जानते अनगिनत प्रयासों के पश्चात चींटी अपना एक छोटा सा घर बना पाती, जो अन्य जंतुओं के लिए सरल सी बात है, वो चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी सफलता है। भविष्य में चींटी रहे न रहे, इनके बनाए हुए घर वर्षों पश्चात तक टिके रहते हैं। जीवन में सफलता के साथ भी ऐसा ही होता है। आपको एक दिन में सफलता नहीं मिलती, किंतु यदि आप प्रतिदिन प्रयास करते रहे तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्मरण रखिएगा, भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं, भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते हैं। तो प्रयास करते रहे, सफलता एक न एक दिन आपके पास आएगी। इस फल को देख रहे हैं आप, ये वो फल है जो पेड़ के सबसे ऊपर वाली शाखा पर पाया जाता है, तो जब ये टूटता है तब ये उस आकाश की ओर नहीं जाता जो ऊपर हो, वो जाता है उस धरती की ओर जो नीचे से उसे तक रही हो। क्यों? क्योंकि इस फल को अपनी ऊंचाई का ज्ञान धरती की नीचाई देखकर होता है। यही बात हम मनुष्यों के लिए भी लागू होती है। यदि आप संपन्न हैं तो उनकी सहायता अवश्य करें जो आपसे सामर्थ्य में कम, जिनको सहायता की आवश्यकता आप सामर्थ्य में अधिक है क्योंकि वो आपसे कम। देखिए जीवन में आनंद केवल बढ़ना नहीं
बल्कि उनकी सहायता करना भी है जो किसी कारणवश आपसे नीचे रह गए। और जब एक फल ये बात समझ सकता है तो आप क्यों नहीं? राधे, नदी का जल मीठा होता है क्योंकि वो सबको जल देती है, सागर जल लेता है इसीलिए खारा होता है, और नाला उसका बहना रुक जाता है और इसी कारण से वो दुर्गंधपूर्ण हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। यदि नदी की भांति जीवन में कुछ देना सीखो तो जीवन में मिठास बनी रहेगी। यदि सागर की भांति बांटने के स्थान पर केवल संचय करते रहो तो मन में खटास बढ़ती रहेगी, और यदि नाले की भांति बहना छोड़ दो, कर्म करना छोड़ दो, तो किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए बिना किसी विराम के कर्म करते रहो, और जो कुछ भी आपके पास है उसे बांटना सीखो। मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे। जब से जीव अस्तित्व में आए तब से एक और शब्द अस्तित्व में आया, संघर्ष। जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता, कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता, तो कभी जो प्राप्त किया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करता। किंतु सबका एक उलाना होता कि संघर्ष करते समय कष्ट बहुत होता। अब योद्धा है तो प्रहार तो सहने पड़ेंगे, तैरना सीखना है तो जल में प्रवेश करना होगा ही। उन्हीं के पाव में छाले पड़ते हैं जो नित चलते हैं, और जो चलते हैं वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए स्मरण रखिएगा, जीवन तभी तक है जब तक कर्म करोगे। तो संघर्ष करते रहिए, कष्ट को भूल जाइए, और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। दीपक जलाने का कार्य कितना सुखमय होता है। प्रकाश की ये लौ मानो आत्मा के भीतर जाकर मन में उल्लास भर दे। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने इसे बुझा क्यों दिया, जबकि इसी से मैंने अन्य दियों को जलाया था? क्योंकि जब तक ये तीली अन्य बातियों को जला रही थी तब तक ये जल रही थी, किंतु जब इसने ऐसा करना छोड़ दिया इसे स्वयं बुझना पड़ा। समझे? जीवन भी इसी प्रकार प्रकाश देने का नाम है। यदि जीवन में शुभ कर्म करोगे, परोपकार करोगे, किसी की सहायता करोगे तो जीवित रहोगे, और जिस दिन ये करना बंद कर दिया, श्वास लेने के पश्चात भी मृत समान हो। इसलिए जब तक श्वास है आशा रूपी प्रकाश का संचार करते रहिए, विश्वास कीजिए मृत्यु के पश्चात भी अमर रहे। तो प्रेम से बोलो, राधे। इच्छा, निर्णय और निश्चय, ये शब्द हमने हमारी जीवन में कई बार सुने है ना। जीवन में बहुत बार बहुत कुछ पाने की इच्छा होती, किंतु क्या केवल इच्छा करने से कुछ बदलता है, कुछ प्राप्त होता है? बंजर धरती पर रहने वाले व्यक्ति की इच्छा होती कि उसे मीठा जल मिल जाए, किंतु उसे नहीं मिलता। जिसने कुआं खोदने का निर्णय कर लिया उसे धरा खोदने के लिए कुदाल मिल ही जाती, और जो निश्चय कर चुका है उसे देर सवेर वो मीठा जल प्राप्त हो ही जाता। इसलिए जीवन में केवल इच्छा ना कर, निर्णय कर,
और फिर निश्चय सब मिले तो प्रेम से बोल राधे। हमारे जीवन में शिक्षक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक जो हमें जीवन जीने की आवश्यक कला सिखाता है, जीवन जीना सिखाता है, और जाने के पश्चात भी इनाम कैसे रह पाएगा ये बताता है। किंतु यदि कोई ये प्रश्न करे कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक कौन है, तो कोई कहेगा माँ, क्योंकि इस संसार में माँ से अधिक सीख और कौन दे सकता है। कोई कहेगा अध्यापक, क्योंकि अध्यापक ही है जो हमें शस्त्र और शास्त्र सिखाता है। कोई कहेगा मित्र, किंतु इन तीनों में एक समानता है, ये पहले आपको सिखाते हैं और फिर आपकी परीक्षा लेके देखते हैं कि आप क्या सीखे। किंतु वास्तविकता में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक वो है। यदा हि धर्मस्य ज्ञानेर्भवति भारत अद्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजामि। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता। ये तो आप सब जानते हैं, किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों मैं इस धरा का जीव बनकर ही अवतरित होता, क्यों मैं मनुष्य के रूप में आपके बीच में रहता। आज बताता, संसार में पाप और पुण्य संतुलन में चलते हैं, किंतु जब पाप सीमा से आगे बढ़ जाता है, मुझे आना ही होता है। कारण ये है कि आप मुझे भुला देते, चौकिए मत, मैं आप ही में बसता हूं। बस आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते हैं, इसलिए मुझे आना पड़ता है आपको ये बताने कि सारी शक्ति आपने ही समाहित है। पर आप क्या करते हैं, मेरा सम्मान मुझे पूछते, मुझसे शक्ति मांगने लगते, भांति भांति की इच्छाएं मेरे सामने रखते। मुझे आपकी श्रद्धा से कोई आपत्ति नहीं, मुझे आपत्ति है उस भाव से जो आपको दुर्बल बनाता है। परमात्मा में श्रद्धा रखिए, किंतु स्वयं की आत्मा पर भी विश्वास कीजिए, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर नर में नारायण बसते हैं और हर नारी में लक्ष्मी, तो पहचानिए अपने भीतर के नारायण और बदल दीजिए इस समय के चक्र। मुझे प्रसन्नता होगी कि मेरे अवतार लेने का वास्तविक प्रयोजन आपको समझ आए, तो शंका त्याग कर शंकर बन जाइए, अन्यथा कंकड़ के समान रहना हो। राधेर विनम्र, संसार कई बार विनम्रता को झुकना समझ लेता है। आपने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं झुकता, कभी नहीं झुकता, मैं टूट जाऊंगा किंतु कभी झुकूंगा नहीं। अब देखिए, ये सारी बातें जो है मन में अहंकार भर देती, अहंकार आपको स्वयं आपके पतन की ओर ले जाता है। समझ जाइए एक महत्वपूर्ण बात, किसी के समक्ष झुकने का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे अधिक प्रभावशाली बने या है, इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप हार चुके हो या हार मान रहे। समझ जाइए, अधिकतर झुककर वही मिलता है जो आपसे ऊंचे पद पर होता है, उसे उसी प्रकार मिलना पड़ता है। किसी के समक्ष झुकने से, विनम्र रहने से आपका कद छोटा नहीं होता, किंतु हाँ, सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके लिए आदर और प्रेम अवश्य बढ़ता है, आपका अस्तित्व विशाल अवश्य होता है। तो चयन आपका है, क्या चुनेंगे, विनम्रता या अहंकार। राधे, चलिए आपको एक बात स्मरण कराता हूं, बात जो आप पहले से ही जानते हैं। कैसी विचित्र बात है ना, देखिए, आप इस संसार में आने से पूर्व भी ये संसार था,
आप इस संसार से जब जाएंगे उसके पश्चात भी संसार रहेगा, अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में है नहीं। तो आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में है वो समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वो समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वो समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं, बस यही आपके हाथ में है। अब इसका आप क्या करेंगे? चिंता करके नष्ट करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंतन करना चाहिए। चिंतन करें कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सके, शुभ कर्म कर सके, कैसे हम सब में आनंद बांट सके। स्मरण रखिएगा कि चिंता चिता तक ले जाती है और चिंतन मन को कुंदन बना देता है। राधे राधे। इस कोमल घास को देख रहे हैं, इतनी कोमल कि कोई बालक भी आके इस पर बैठ जाए तो ये दब जाती। एक छोटा सा चूहा कहीं से आ जाए अपने दांतों से इसे काट सकता, और यदि कोई हाथी आ गया तो बड़ी सरलता से इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है ना? अब देखिए, मैंने इसी घास को गूंथ कर एक रस्सी बनाई और अब वही कोमल घास एक शक्तिशाली बंधन में परिवर्तित हो चुका। ऐसा बंधन जो किसी हाथी को बांधने में काम आ सकता है, वही हाथी जो बड़ी सरलता से इस घास को उखाड़ कर फेंक सकता था। समझे ना? इसी रस्सी की भांति यदि एक साथ रहोगे, एक दूसरे की सहायता करोगे, साथ निभाओगे, तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना उसका हल बड़ी सरलता से आप निकाल पाओगे। जब भी हम किसी वृक्ष को देखते हैं, सर्वप्रथम हमारी दृष्टि पड़ती है उसके पुष्पों पर, हरे भरे पत्तों पर, रसीले फलों पर, किंतु वो कठोर वो निस्वार्थ जड़ उससे तो हम कभी आकर्षित होते ही नहीं। अब क्या इसका अर्थ ये है कि जिसने बलिदान दिया, जो उस वृक्ष की नींव है, जिसने उस वृक्ष को बढ़ाया, उसका कोई मोल ही नहीं? नहीं। स्मरण रखिएगा, जब भी हम किसी वृक्ष को जल देते हैं उसके पत्तों पुष्पों या फलों को नहीं, उसकी जड़ को देते हैं। जब भी हम किसी वृक्ष की पूजा करते हैं, यही पुष्प यही तिलक हम उसकी जड़ को अर्पित करते हैं, अर्थात कहीं ना कहीं अनजाने में ये प्रकृति आपको वो मान दे ही देती है जिसके आप पात्र हैं। और इसीलिए तो मैं कहता हूं, तो कर्म किए जा, तू फल की चिंता ना कर, तुझे वो मान अवश्य मिलेगा जिसका तू पात्र है, बस विश्वास कर। राधे। देखिए ये प्रेम, ये प्रेम वो रंग है जो जीवन में रस भर देता है, ये प्रेम वो सोच जो पल भर में मुख पे मुस्कान ला देती है, प्रेम वो पुष्प है जो मन की बगिया को खिला देती है, प्रेम वो सोच जो एक ही क्षण में संसार में आपको सबसे अधिक संपन्न अनुभव करवाती है, ये प्रेम वो जो तपते मरुस्थल में आपको जीवित रखे, ये प्रेम वो जो आपकी आत्मा को तृप्त कर दे, ये प्रेम वो जो आपके मुख पर मुस्कान ले, जैसे अभी इस समय राधा मेरे मुख पर ले। अद्भुत है ये प्रेम। तो आइए इसी प्रेम के साथ कहें, राधे राधे। इस तालाब को देख रहे हैं आप, बच्चे बूढ़े युवक, किसी से भी मैं पूछ लूं कि ये क्या है तो सबका उत्तर एक ही होगा। उत्तर तब बदलेगा जब प्रश्न ये होगा कि आप इस तालाब के साथ क्या करना चाहें। कोई कहेगा कि मैं यूं ही किनारे पर बैठ के इस जल को स्पर्श करके शीतल वायु का आनंद लेना चाहूंगा, कोई कहेगा मैं इस तालाब में तैरना चाहूंगा, कोई कहेगा मैं एक कागज की नाव बना के इसमें छोड़ना चाहूंगा,
कोई कहेगा मैं मछली पकड़कर जीवन यापन करना चाहूंगा। आदित्य, आपको एक बात बता दूं कि हमारा जीवन भी इसी तालाब की भांति एक समान, किंतु हमें इसके साथ क्या करना है ये निर्णय हमारा। इस तालाब में आपको मोती भी मिलेंगे, कीचड़ भी मिलेगा। यदि आप मोती पाना चाहते हैं तो आपको उस गहराई तक जाना होगा, उतने प्रयास आपको करने होंगे, तब जाके आप मोती पाओगे, अन्यथा केवल कीचड़ हाथ लगे। किंतु जो मैं सदैव कहता, निर्णय आपका है। राधे राधे। हमारा शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है। जो अंग जो तत्व हमें मिले उन सब का अपना अपना एक संदेश है। दो आंखें दी हैं देखने के लिए, दो कान दिए हैं सुनने के लिए, नथुने भी दो, दो हाथ दिए हैं दोहरा परिश्रम करने के लिए, किंतु जीव केवल एक।